फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं 10 ऐसे फूड आइटम शेयर करने वाली हूँ जिनको आप घर के बाहर खा सकते हैं। चाहे आप किसी शादी में जा रहे हैं या आपको स्ट्रीट फूड खाने का मन है लेकिन आप कुछ हैवी नहीं खाना चाहते, लो कैलोरी वाला खाना चाहते हैं जिससे आपकी डाइट भी अच्छी रहे और स्वाद भी आपको पूरा मिल जाए। तो आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको टोटल 10 ऑप्शन बताऊंगी जिसमें से कुछ आपके स्नैक्स ऑप्शन होंगे, कुछ आपके फूड ऑप्शन होंगे। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हमारा तो मन नहीं है बाहर खाने का लेकिन किसी फ्रेंड के साथ में है या किसी रिलेटिव के साथ में है तो हमें खाना पड़ जाता है। तो ऐसे में हम क्या खाएं, ये बहुत बड़ा सवाल आता है। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं इसी समस्या का समाधान लेके आई हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इस तरीके की हेल्थ, फिटनेस और एक्सरसाइज से जुड़ी वीडियोस कंटिन्यूअसली मेरे चैनल पर आती रहती है। साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है इडली। इडली एक साउथ इंडियन फूड है जिसको दाल और चावल को फर्मेंट करके बनाया जाता है। कैलोरीज वाइज ये कम होता है। सबसे अच्छी बात जो मुझे इडली में लगती है दैट इज कि इसका जो कुकिंग मेथड है ना दैट इज स्टीमिंग मेथड, यानी कि इसमें किसी तरीके के ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बहुत ही लेस ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ बर्तन को ग्रीस करने के लिए। तो अगर आप इडली को खाते हैं तो आपको कैलोरीज भी कम मिलती है, टेस्ट भी इसका ज़बरदस्त होता है। इडली को सर्व किया जाता है सांभर, कोकोनट की चटनी, मूंगफली की चटनी या फिर कई जगह पर टमाटर की चटनी के साथ में। तो ये सारी ही चीज़ें आपके टेस्ट बड को सेटिस्फाई करती हैं और आपकी हंगर को भी कम करती हैं। तो अगर आप बाहर जा रहे हैं तो पहला ऑप्शन आप इडली का रखिए, बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। दूसरा, अगर आपका कुछ हल्का फुल्का खाने का मन है यानी कि पेट नहीं भरना है लेकिन कुछ चाहिए, कुछ अच्छा सा अगर चाहिए, एनर्जी देने वाला कुछ अगर आपको चाहिए तो आपको हर थोड़ी दूरी पे शेक्स या फिर जूसेस का स्टॉल मिल जाएगा, या फिर आप किसी रेस्टोरेंट में अगर जा रहे हैं तो वहाँ भी आप शेक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। आप मैंगो शेक ले सकते हैं, बनाना शेक ले सकते हैं, चीकू शेक ले सकते हैं, पपाया शेक ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी शेक ले सकते हैं, जो भी शेक्स वहाँ पे अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। साथ में आप उनको ये भी बोल दीजिए कि वो उसमें किसी तरीके के शक्कर का इस्तेमाल ना करें और साथ में जो ये होता है ना चॉकलेट सिरप हम ऐड कराते हैं, फिर ड्रेसिंग का अगर इस्तेमाल उसमें हो रहा है तो उसके लिए आप मना भी कर सकते हैं। बहुत आसान है बनवाने के लिए, आप उनसे बोलिए कि वो उसमें फ्रूट को डालें और साथ में जो दूध या दही वो डाल रहे हैं बेस के लिए उसका इस्तेमाल करें, बाकी किसी भी चीज़ को उसमें ऐड ना करें। इसको आप अपने हिसाब से बड़े आराम से कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसको ऐसे खाते हैं तो आपको फ्रूट का पूरा फाइबर भी मिलेगा, आपको एनर्जी भी मिलेगी और जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हमारी फ्राइड चीज़ों से आती हैं जैसे कि मोमोज है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, उससे भी हम बच जाएंगे। तीसरा और एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है ग्रिल्ड पनीर टिक्का या फिर कबाब आप ले सकते हैं। पनीर टिक्का और कबाब को भी ग्रिलिंग मेथड से बनाया जाता है जिसमें तेल का इस्तेमाल काफ़ी कम किया जाता है। इसके अलावा आप टिक्की भी ले सकते हैं, आलू टिक्की भी हो सकती है या फिर मिक्स वेज टिक्की भी हो सकती है। बस ध्यान रखना कि उसको डीप फ्राई करके ना बनाया गया हो, ग्रिलिंग मेथड से बनाया गया हो। तो ये भी एक बहुत चटपटा स्नैक ऑप्शन है जिसको आप घर के बाहर ले सकते हैं। फोर्थ, अगर आप किसी शादी में जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, वहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या खाया जाए तो ज़्यादातर शादियों में ना आपको एक स्टॉल चीला का ज़रूर मिल जाए। जितने भी चीलाज होते हैं वो या तो मूंग की दाल से बनाए जाते हैं या तो बेसन से बनाए जाते हैं, तो इससे आपका प्रोटीन का इंटेक भी पूरा होता है और जब वो चीला बन रहा होता है ना उस वक्त आप उनको बोल सकते हो कि भाई मेरे चीले पर तेल का इस्तेमाल मत करना। तो बिना तेल का इस्तेमाल करके वो आपके लिए चीला प्रिपेयर कर देंगे और वो चीला खा के आप अपना पेट भी भर सकते हो और अपनी टेस्ट बड को भी सेटिस्फाई कर सकते हो। पांचवा, चाहे आप किसी शादी पार्टी में जाएं या फिर आप ऐसा स्ट्रीट फूड खा रहे हैं या फिर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं और आपको बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, बजाय कि आप कोई पनीर का डिश ऑर्डर करें या फिर कोई ऐसा डीप फ्राई वाला चीज़ ऑर्डर करें, उससे अच्छा है कि आप सिंपल दाल चावल को ऑर्डर करें। हालांकि जो रेस्टोरेंट में दाल चावल बनते हैं उसमें भी तेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में किया जाता है, बट अगर आप उनको बोलेंगे कि मुझे फ्राइड दाल नहीं चाहिए, बॉइल ला के दे दीजिए, तो बड़े आराम से आपको हर रेस्टोरेंट में अवेलेबल हो जाएगा। आप दाल चावल ले सकते हैं या फिर आप छोले चावल, राजमा चावल, ये सब आप ले सकते हैं। साथ में आप उनको बता दीजिए कि इसमें एक्स्ट्रा बटर का इस्तेमाल वो ना करें। छठा और बहुत बढ़िया स्नैक ऑप्शन है जो कि गुजरात में तो आपको हर गली मोहल्ले में मिल जाएगा और अब तो आपको पूरे देश में कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा, दैट इज ढोकला, जो कि बेसन और चावल को फर्मेंट करके बनाया जाता है। कई जगह पे आपको सूजी का ढोकला भी अवेलेबल होता है। ये आपको ग्रीन चटनी और रेड चटनी के साथ में सर्व किया जाता है, टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। आजकल तो कई रेस्टोरेंट्स में या फिर आपको एज अ स्ट्रीट फूड भी कई जगह पे डाइट वाला ढोकला भी मिलता है जिसमें वो अलग से शुगर सिरप में उसको डिप नहीं करते हैं। अगर वो आपको मिल जाता है तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है घर के बाहर खाने के लिए। अगर आप घर के बाहर हैं, आपको बहुत जोरों की भूख लगी है, तो बिरयानी इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, इसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। आप वेज बिरयानी ले सकते हैं, एग बिरयानी ले सकते हैं, चिकन बिरयानी ले सकते हैं या फिर आप पनीर बिरयानी ले सकते हैं। सभी ऑप्शन जो भी आप पसंद करते हैं खाना वो आप ले सकते हैं। हालांकि इनमें जो सब्जियां इस्तेमाल करी जाती है वो डीप फ्राई करके इस्तेमाल की जाती है, बट फिर भी ये बाकी चीजों को देखते हुए कि अगर आप छोला भटूरा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं या फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं, उनके कंपैरिजन में कैलोरीज भी कम होती हैं और सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको न्यूट्रिशन भी मिल
मिलता है। अगर आप चिकन बिरयानी खाते हैं या पनीर बिरयानी खाते हैं तो इससे आपका प्रोटीन भी कंप्लीट होता है और आपका पेट भी भर जाता है और आपको ज़्यादा देर तक भूख भी नहीं लगती है। तो आप बिरयानी को भी ऑप्ट कर सकते हैं। बिरयानी के साथ में सलाद और दही लेना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट जो मेरा ऑप्शन है दैट इज़ भेल पूड़ी। लाई का जो इस्तेमाल किया जाता है वो कैलोरीज में काफ़ी कम होती है। इसके साथ में प्याज, टमाटर, खीरा और साथ में नमकीन, नींबू, ये सब डाल के चटपटा सा नाश्ता जब आपके सामने आता है ना तो आप सब कुछ भूल जाते हो। बिलीव मी, अगर आपने अच्छी भेल पूड़ी खाई है ना और आपको फिर ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको बर्गर खाना है या भेल पूड़ी, तो यू विल ऑप्ट द भेल पूड़ी बिकॉज इसमें ना बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। बस ये ध्यान रखना कि अगर आप डाइट पे हैं, वजन को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो भेल पूड़ी के ऊपर जो सेव डाला जाता है और प्लस जो पूड़ी डाली जाती है उसको आप अवॉइड करवा दीजिए, डालने के लिए मना कर दीजिए। सिंपल भेल और साथ में जो भी सब्जियां उसमें डाली जाती हैं उन सबको मिला के एक बहुत अच्छा सा भेल पूड़ी का ऑप्शन भी आप ले सकते हैं अपने टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करने के लिए और कुछ चटपटा खाने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन तो ऐसा है जिसको आप एज अ स्ट्रीट फूड भी खा सकते हैं, आप रेस्टोरेंट में जाके भी खा सकते हैं, एज अ कंप्लीट मील भी खा सकते हैं और एज अ स्नैक ऑप्शन भी खा सकते हैं, एंड दैट इज डोसा। डोसा लगभग हर किसी को बहुत ज्यादा पसंद होता है। इसमें ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। अगेन ये दाल और चावल के मिश्रण से बनाया जाता है और साथ में आपको सांभर और चटनी सर्व की जाती है जो कि इसके टेस्ट को इन्हांस करती है। जहां भी आप डोसा खा रहे हैं आप उनको बोल सकते हैं कि आपके लिए बिना तेल का वो डोसा प्रिपेयर करें, तो आप वो डोसा ले सकते हैं। अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप पनीर डोसा भी ऑप्ट कर सकते हैं। एंड द लास्ट ऑप्शन इज द काठी रोल। काठी रोल में क्या होता है कि एक ऐसा रोटी जैसा होता है और उसके अंदर काफी सब्जियां भरी होती हैं, पनीर की स्टफिंग भी कई बार उसमें होती है और वो आपको एक रोल की फॉर्म में मिलता है। उसको बनाने के लिए भी कम तेल का इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर बहुत सारी सब्जियां भरी होती है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, इसको भी आप ले सकते हैं। बस ध्यान रखना कि जो उसका बाहर वाला जो रोटी बनाया गया है वो मैदा का बनाया हुआ ना हो। कई जगह पे आपको ये मैदा का मिलेगा, कई जगह पे आपको ये बेसन या तो मल्टीग्रेन का भी मिलेगा। अब ये आपको ढूंढना पड़ेगा कि मल्टीग्रेन वाला ये जो बेसन वाला है वो आपको कहाँ पे मिलेगा। अगर आपके आसपास में ये अवेलेबल है तो काठी रोल भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है पेट भरने के लिए भी और अपने टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करने के लिए भी। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इन 10 में से आपका फेवरेट ऑप्शन कौन सा है या जब आप बाहर जाते हैं तो आप क्या ऑप्ट करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।